हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज अशोक रिवाल। आई वेलकम यू ऑल इन एडो ट्रिवाल्स क्लासेस। बच्चे, आज हम ना डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, द थीफ्स स्टोरी। ठीक है बेटा? एंड वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द 10th क्लास चैप्टर, द थीफ स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी, थीफ मतलब चोर, चोर की कहानी। ठीक है बेटे? सो चले चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? स्टोरी में आई किसके लिए यूज हुआ है? ऑब्वियसली आई नरेटर के लिए है। आई रेफर्स टू हरी सिंह, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु इज अ 15 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस्ड थीफ। ठीक है, जो एक 15 साल का एक्सपीरियंस्ड चोर है। वट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? फेयरली सक्सेसफुल एट हैंड मतलब किस चीज़ में वो सक्सेसफुल था, किस चीज़ में मतलब स्किलफुल था। सो ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, वो चोरी करने में स्किलफुल था। ही इज़ एन एक्सपीरियंस थीफ, ही इज़ सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क दैट ही रॉब्स पीपल विदाउट बींग कॉट। वो इतना एक्सपीरियंस था, इतना क्लीन मीन्स वेरी क्लियर चोरी करने में, स्विफ्ट फास्ट, के वो लोगों को लूट लेता था और पकड़ा भी नहीं जाता था। ठीक है बेटे? सो ये हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? वो अनिल से बदले में क्या लेता है? इन रिटर्न ऑफ हरी सिंह्स वर्क, अनिल गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव इन। एक्चुअली होता क्या है कि वो चोर था हरी सिंह, और वो झूठ बोल देता है अनिल को कि भाई ऐसे ऐसे मैं काम नहीं मिल रहा मुझे, एंड लाइक दैट। वो अलग अलग स्टोरी उसको बताता है। ठीक है, तो फिर उसको काम पर रख लेता है वो, और बदले में उसको खाना देता है। ठीक है, और रहने के लिए जगह देता है। सो हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? चोर को कैसे लगता है कि अनिल क्या सोचेगा? एक्चुअल क्या, जब उसे घर पे रहता है तो उसके घर से वो पैसे निकाल कर भाग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हरी, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज द लॉस ऑफ मनी, बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी। ही हैड अ फुल ट्रस्ट इन हरी, उसने हरी में पूरा विश्वास दिखाया, बट लेकिन फिर भी वो उसके घर से चोरी करके भाजता, उसे लगा कि वो इस तरीके से दुखी होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? वो क्या कहता है अलग अलग लोगों के बारे में, कि भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं जब उनके घर चोरी होती है, उनको लूटा जाता है, ठगा जाता है, तो क्या रिएक्शन होते हैं? हरीज एक्सपीरियंस एट थेफ्ट हैड मेड हिम अवेयर ऑफ डिफरेंसेस इन रिएक्शंस ऑफ पीपल। ठीक है, उसके ये स्पेलिंग एरर है बच्चे, टाइपिंग एरर है। तो कहते हैं अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस वो समझ चुका था। व्हेन दे आर रॉब्ड, अकॉर्डिंग टू हिम अ ग्रीडी मैन शोज फियर, एक लालची आदमी, यानी कि अलग लोग अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। जो लालची आदमी होता है वो डर जाता है, द रिच एंगर, अमीर गुस्सा हो जाता है, एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी जो होता है वो उसको स्वीकार कर लेता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, चोरी हो गई तो हो गई। ठीक है, इस तरीके से वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल ने रियलाइज किया कि उसे लूट लिया गया, उसके घर चोरी हो गई? यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड एज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी विच वॉज स्टिल डैम्प ड्यू टू द नाइट्स रेन। क्योंकि उसे पता था, ये स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो वो रात को सो रहा होता है तो उसके तकिए के नीचे से पैसे निकाल कर भाग जाता है हरी सिंह। बाहर बारिश हो रही थी और बारिश के कारण वो पैसे भीग जाते हैं, लेकिन जैसे वो स्टेशन पर पहुंचता है तो रास्ते में उसकी आत्मा कहती है कि नहीं, मैंने गलत किया, अनिल सिंह इज़ अ वेरी गुड पर्सन, जेंटल पर्सन, आई मस्ट नॉट डू लाइक दैट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई ही कम्स बैक, वापस आता है और सारे पैसे वापस उसके तकिए के नीचे रख देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल उसको देता है सामान लाने के लिए पैसे, तो उसे पता था कि वो पैसे अभी भी गीले हैं, तो उसे पता था कि हाँ ये चोरी की थी इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि उनके लिए समझना ईजी रहेगा, और आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वट आर हरी सिंह्स रिएक्शंस एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? हरी सिंह का क्या मानना था, क्या रिएक्शन थी कि उसको जब एजुकेशन रिसीव करें, एजुकेशन मिले उसे। डू दे चेंज ओवर टाइम? क्या वो बदल जाते हैं? हिंट, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मतलब कुछ इस तरीके से आपने आंसर करना है
कि मुझे पता था कि मैं एक दिन अच्छा पढ़ पाऊंगा, लिख पाऊंगा। ओके, द होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, या फिर ऐसे कि एक दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। वट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, क्या चीज़ हैं जो अनिल को, अनिल के पास वो वापस आता है क्या सोचकर। ठीक है, तो चले चलते हैं आंसर की तरफ। हरि वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल वेन ही लर्न इट टू राइट हिज नेम, क्योंकि हरि तो अनपढ़ था, जब उसने पहली बार अपना नाम लिखना सीखा तो बहुत खुश होता है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड वेन अनिल प्रोमिस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंस एज वेल, वो बहुत खुश हुआ जब अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंस लिखने भी सिखाऊंगा। ही न्यू दैट बींग एन एजुकेटेड मैन विल एड टू हिज एबिलिटीज, उसे पता था कि पढ़ लिख कर उसकी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ही कुड अचीव एनीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकता है। बट वेन ही लेफ्ट अनिल्स हाउस, लेकिन जब उसने अनिल का घर छोड़ा, चोरी की। यू नो बेटा, हम कई बार टेम्पटेशंस में चोरियां कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पश्चाताप होता है, हमें पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो कुछ लोग अपनी आत्मा की आवाज़ सुन लेते हैं कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सुधर जाते हैं। और जो अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते बेटा, वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स में रहते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं, क्या कहते हैं। ही रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ, बट बींग एजुकेटेड वॉज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, चोरी करना अलग अलग चीज़ है और एजुकेटेड होना सिंपल अलग चीज़ है। ही न्यू दैट रिस्पेक्ट रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटीज दैट वुड कम टू हिम वंस ही वॉज एजुकेटेड, वो जानता था कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर वो पढ़ जाता है, लिख जाता है। एंड सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल, इसलिए उसकी आत्मा ने कहा कि नहीं, मुझे एजुकेशन लेनी है, ये चोरी करना गलत है, वापस अनिल के पास आ गया। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू पुलिस, अब पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया अनिल ने। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, बहुत सारे आदमी ऐसा ही करते। इन वट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, ऐसे एम्प्लॉयर्स के बजाय अनिल कैसे अलग है। सी, एक चीज़ है बेटा, अगर आपको, आपने बिशप कैंडलस्टिक एक स्टोरी सुनी हो, 10th क्लास में थी वो भी, उसमें आपके कोर्स भी में, ठीक है, उसमें क्या था एक्चुअली, हम जो थीफ है, कोई गलत आदमी है, तो उसके अंदर एक अच्छी आत्मा भी होती है, हम उसको जगा सकते हैं, हम उसको उस बुराई से बचा सकते हैं, उसको पनिश न करके, बल्कि उसके अंदर के एक प्रेम भावना को, उसके अच्छे आदमी को जगा कर। तो वही अनिल ने किया। अनलाइक अदर्स अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस, ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट थ्रैश हिम नॉर इवन मैंशन इट इन फ्रंट ऑफ हरी, ना उसको डाटा, ना उसके बारे में कुछ कहा। ही वॉज ग्लैड, वो खुश हुआ दैट हरी हैड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, उसे खुशी हुई कि उसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता चला। अनिल वॉन्टेड हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन, अनिल चाहता था कि हरी एक लिटरेट आदमी बने, यानी कि पढ़ा लिखा बने, एंड लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ वो जिए। ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयज बिकॉज ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही इज वेरी ग्रेट इन अंडरस्टैंडिंग, हर इज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम। ठीक है, तो हरी की वापस आना उसके अंदर एक बदलाव की उम्मीद लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर दीज पीपल इन रियल लाइफ, क्या लगता है ये फिक्शन है, यानी कि कहानियों में मिलते हैं ऐसे ऐसे आदमी, या फिर वास्तव में भी होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, ऐसे आदमी रियल में भी होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, अच्छा, दो एक्सेप्शंस माइट बी देयर, जैसा मैंने कहा था एक्सेप्शंस हर जगह हैं, दीज पीपल आर रेयरली फाउंड, ऐसे आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अनिल वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन, दयालु और अच्छा सभ्य इंसान था, अच्छा आदमी था, हु वॉज कंसर्न, जो चिंतित था अबाउट हरीज एजुकेशन, कंसर्न मीन चिंतित, वर्रीड हरी के एजुकेशन के लिए। एंड हरी वॉज अ थीफ हुज हर्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग हिज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हरी जो चोर था उसका दिल बदल जाता है जब उसे पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। पीपल लाइक दीज आर इमेजिनरी इन टूडेज वर्ल्ड, लेकिन ऐसे आदमी आजकल इमेजिनरी हैं, आजकल लोग नहीं मानते, नहीं सुनते हैं चीज़ों को। डू थिंक इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल आई स्टोरी दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर, क्या इन स्टोरी एक्चुअली
डिटेल इन स्टोरी अनिल स्ट्रगल राइटर. क्या आपको क्या लगता है, क्या ये महत्वपूर्ण है ऐसा? दिस एक्सप्लेन दिस बिहेवियर इन एनी वे. ओके येस इट इज सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर. स्ट्रगलिंग राइटर मतलब बहुत फेमस राइटर नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं मिलते थे. हिज लाइफ स्टाइल वॉज वेरी सिंपल एंड यूज इन स्पेन टू अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट एट ऑल टाइम. हिज स्ट्रगल समटाइम्स गेव हिम अ लॉट ऑफ इनकम वाइल एट अदर टाइम ही यूज टू वरी अबाउट द नेक्स्ट पेमेंट. मतलब कई बार उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे, कई बार नहीं मिलते थे, तो वो इस तरीके से परेशान रहता था, बट वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ही सारे खर्चे करता था. हरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट डिसकंटिन्यूएशन इन हिज वर्क जस्टिफाइज हिज बिहेव रिगार्डिंग मनी. तो रिगार्डिंग मनी उसका डिसकंटिन्यूएशन था इस पैसे में, वो उसको बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? कैन यू थिंक द इमेजिन द सर्कमस्टांसिस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इन टू थीव. क्या आपने कभी ऐसे बच्चे से मिले हो या फिर कैसी सिचुएशन देख सकते हो? ये आपके ऊपर, यू नो, इट कैन बी अर पर्सनल आंसर. इट कैन बी नो, इट कैन बी यस. नो आई हैवन मैट एनी वन लाइक हरी सिंह बट एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपल इज सर्टेन. अ 15-year-old बॉय कैन बी फोर्स बाय सर्कमस्टांस. यानी कि 15 साल का लड़का अगर चोर बनता है तो सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांस होते हैं, तो उसको चोर बनाती हैं. इट मे बी द नीड टू फीड स्टमक. हो सकता है खाना खाने के लिए वो चोरी करता हो, टू सेटिस्फाई इलीगल एडिक्शन, या फिर उसके अंदर कुछ इलीगल एडिक्शन लत लग गई हो गैर कानूनी, जिस कारण वो करता हो, टू मेंटेन हेल्थ, अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, टू फुलफिल लग्जरियस डिमांड्स एटसेट्रा, या फिर जो लग्जरियस मीन्स ऐशो आराम की चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए. वर इज द स्टोरी सेट? स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेज मैंशन. कहानी के नाम कैरेक्टर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कहानी कहाँ की है. विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन दिस प्लेसेज. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डू यू थिंक द कैरेक्टर इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश में बोलते हैं? ठीक है. द स्टोरी सेट समवेयर इन उत्तर प्रदेश नियर लखनऊ. वी कैन से सो बिकॉज स्टोरी मैंशन दैट देर इज अ रेलवे स्टेशन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन इन लखनऊ. तो ऑब्वियसली कान के अंदर आया, एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ की मिल रही है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में है वो. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप्स एंड बाजार ऑल्सो इंडिकेट टू बी अ डिसेंट साइज टाउन. अब एक अच्छा सा बड़े साइज का टाउन कस्बा है, इन शॉप से आप अंदाजा लगा सकते हैं. ओके. नो द कैरेक्टर इन द स्टोरी डू नॉट स्पीक इन ईच अदर इन इंग्लिश बट प्रॉपरली इन हिंदी. वो केवल हिंदी में बात करते हैं. ठीक है बेटा. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. और सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश किए बहुत इजीली और हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए. बेटा अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो मेरे बच्चे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए. ठीक है बेटा. टिल देन रिवाइज इट, डू हार्ड वर्क एंड स्टे हेल्दी हैप्पी. ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे.